मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर के दिखाया गया है। ये एक बहुत ही शांत सिटी में हमें दिखाया गया है, बहुत ही कम लोग यहाँ रहते हैं, बहुत ही कम ट्रैफिक वगैरह होती है। ये हमें अलग अलग डोर पर जाकर अपने पॉम्पलेट्स लगाता हुआ दिखता है। ये होटल्स के पॉम्पलेट्स होते हैं। पूरे नेबरहुड में घूमता है और एक नई सोसाइटी में आ जाता है। उसने इस सोसाइटी में पॉम्पलेट्स लगाए थे और अब वो हर डोर को चेक कर रहा है। इसका एक्चुअल में एक प्लान होता है। ये हर जगह जाता है और वहाँ अपने पॉम्पलेट्स लगा कर आता है। जिस घर पे उसने अपने पॉम्पलेट्स लगाए हैं, उसका ओनर अगर उस घर में होगा तो वो ये निकाल कर रख देगा। अगर ये पॉम्पलेट नहीं निकला होगा, इसका मतलब ये घर पर कोई नहीं है, घर का ओनर कहीं बाहर गया है। केको फिर ये पता चलता है तो वो घर में घुस जाता है। हमें अब यही दिखता है, वो एक बिल्डिंग में आ चुका होता है। वहाँ फिर डोर देखता है जहाँ पर उसका पॉम्पलेट अभी भी चिटका हुआ होता है। फिर वो डोर ओपन कर लेता है। उसके पास डोर ओपन करने के लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह भी होते हैं। घर में अंदर जाता है तो एक फोन मशीन भी चेक करता है। वहां पर मैसेज होता है कि हम फैमिली वैकेशन पर बाहर गए हैं। ये घर की फैमिली का मैसेज होता है। ये घर में हमें शॉवर लेते हुए दिखता है, वहाँ खाना पकाता है, वहाँ बहुत सारी चीजें करता है और अगर इस घर में कुछ टूटा फूटा होगा तो ये भी रिपेयर कर देता है। जिस घर में वो जाता है अपने कैमरे के साथ वहाँ एक फोटो ले लेता है। जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जिस तरह से रह रहे थे, यानी कि जो भी काम वो कर रहे थे, ये सब काम वो करता है। अब मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में और भी बता दूँ। ये एक फ्री सोल होता है, जहाँ भी इसे जाना होता है वहाँ वो चला जाता है। अलग अलग शहरों में घूमता है और यही ट्रिक वो करता रहता है। जिस घर में कोई लोग नहीं रह रहे उस घर में जाता है, उनकी लाइफस्टाइल जीता है। ये वहां से कुछ भी चोरी वगैरह नहीं करता। एक ही लाइफ में अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करके इसे रहना होता है। जो कोरो एक्सपीरियंस कर चुका है, इसकी एक मेमोरी वो फोटोज में लेता है। फिर से नए नेबरहुड में हमें के दिखता है। ये बहुत ही अच्छा नेबरहुड होता है और बहुत ही बड़ा ये घर होता है। इस घर में वो आ जाता है। घर में आने के बाद देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं, और वहां एक औरत होती है जिसे वो स्पॉट नहीं कर पाता। वो बहुत ही चुपचाप वहां बैठी हुई होती है। इसके फेस पर किसी के मारने के निशान भी होते हैं। ये डर कर वहां छुप कर एक कोने में बैठी हुई होती है। फिर आंसरिंग मशीन पर कॉल आता है। या इस औरत का हस्बैंड जो होता है वो आंसरिंग मशीन पर मैसेज भेजता है। वो उसे पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उसे हरी कर कर फोन पिकअप करने के लिए बोल रहा होता है। उसे सॉरी भी कहता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम अनसेटिस्फाइड हो। वो गुस्सा होकर उसे फोन पिकअप करने के लिए बोलता है। ये घर में ही छुपी रहती है। ये फिर से अपना सब जो रूटीन होता है वो करने लग जाता है। उस घर में कपड़े धोता है, अगर उस घर में कुछ टूटा फूटा होगा तो रिपेयर करता है। ये औरत अब के जो भी सब कर रहा है ये देख रही होती है, पर वो कुछ भी आवाज नहीं करती और सिर्फ ऑब्जर्व करती रहती है। इसका नाम हम क्रीम रखेंगे। के जो होता है वो घर के काम कर बहुत ही सेटिस्फाइड उसे महसूस होता है। क्या हमें एक प्लांट को वाटर करते हुए दिखता है। नेक्स्ट में हमें क्रीम दिखाई गई है और उसके पास एक पेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लांट की होती है। ये प्लांट क्रीम को ही रिप्रेजेंट करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है। क्रीम पूरी तरह से मुरझा चुकी है पर अब इसकी लाइफ को वो फिर से जिंदा करेगा। के की एक हॉबी होती है जिसमें वो हमेशा गोल्फ खेलता है। ये जो घर होता है, इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोज होते हैं। क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी। के जब इस घर में एक वेटिंग मशीन पर खड़ा होता है तो एक काम नहीं कर रही होती। क्रीम के लाइफ का बैलेंस रिप्रेजेंट करती है। जब रात होती है और के सोया हुआ होता है तभी क्रीम दरवाजा खोलती है। के देखकर डर जाता है। तभी फोन पर और एक मैसेज आता है। इस मैसेज में उसका पति बोलता है कि अभी के अभी फोन पिकअप करो वरना मैं घर आ जाऊंगा। ये जब फोन चल रहा होता है तो के कपड़े वगैरह पहनता है और फिर से नई जगह पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। के फिर हमें हाईवे पर दिखाया गया है। इस औरत के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसके बारे में सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है और फिर से इसी घर में आ जाता है। वो देखता है कि क्रीम शॉवर में है और वो रो रही है। वो फिर उसे चीयर अप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है। थोड़ी देर में क्रीम का हस्बैंड भी वहां जाता है। सब दरवाजे खुले होते हैं तो इसके लिए उसे डांटता है। उसे पूछता है कि तुम फोन क्यों नहीं आंसर कर रही थी। वो अपने बिजनेस ट्रिप पर कुछ काम नहीं कर पाता तो इसका भी ब्लेम वो क्रीम पर ही करता है। क्रीम को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। उसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए भी उसे रिस्ट्रिक्ट करता है। वो कहता है कि मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। उसके पास फिर वो बैठता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैसे देखा नहीं जाता। और के फिर इस घर के गार्डन में आ जाता है। वह अपना गोल्फ का सामान लेता है और गोल्फ की प्रैक्टिस करने लग जाता है। क्रीम का हस्बैंड जब ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो फिर पुलिस को कॉल कर देता है, उसे रिपोर्ट कर रहा होता है और फिर वो गार्डन में भी आ जाता है। गोल्फ के सब बॉल्स पड़े हुए होते हैं। के अपना निशाना अब बदल लेता है। क्रीम के हस्बैंड पर वो निशाना लगाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजोर कर देता है।
क्रीम का हस्बैंड अब ग्राउंड पे गिर जाता है। ये जो घर है इसमें क्रीम के बहुत सारे मॉडलिंग की फोटोज है। एक शॉट में हमें दिखाया गया है कि ये क्रीम के मॉडलिंग के फोटो के साथ होता है और क्रीम ये दिख रही होती है। इसका मतलब अब जो है वो के फ्री है और क्रीम वैसे पहली थी, मॉडल की तरह थी। वो तब फ्री थी जब वो फोटोज निकाल रही थी, अब वो के को देखकर वैसा ही फिर से फील करना चाहती है। इस शॉट से ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और अब हमें दिखता है कि क्रीम अब के साथ बाइक पर उसके चली जाती है। वो अब उसके हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। के का जो भी रूटीन है उस रूटीन में वो घुल मिल जाती है। वो उसके साथ अलग अलग नेबरहुड्स में जाकर पॉम्पलेट चिपका दी है और उसके साथ ही रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि के उसकी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो एक गार्डन में खेल रहा होता है पर वो बॉल कहीं जाए ना, इसलिए उसने उस बॉल को बांध दिया होता है। ये जब वो खेल रहा होता है तो बॉल के सामने क्रीम आ जाती है। के अपनी खेलने की डायरेक्शन चेंज करता है पर उसी डायरेक्शन में फिर से क्रीम आ जाती है। के फिर अपना खेलना ही बंद कर देता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि के की जो लाइफ है, जिस तरह से वो जीता है, उसके बीच में अगर क्रीम आ गई फिर वो वायलेंस की तरफ नहीं मुड़ने वाला। अब नेक्स्ट घर में किम और के आ जाते हैं। ये जो घर होता है एक फोटोग्राफर का घर होता है। यहाँ क्रीम का फोटो भी होता है। जैसा हमने देखा था कि के अलग अलग घरों में जाकर वहां की चीजें वगैरह रिपेयर करता है, यहाँ भी वही वो कर रहा होता है। क्रीम जब उसकी फोटो को देखती है तो उसके फोटो को निकाल लेती है। उसके फोटो को निकाल कर वो फिर से फ्रेम में लगाती है पर इस बार उसने वो कट कर लगाया होता है। अनसॉल्व पजल की तरह अलग अलग जगह पर ये फोटो कट कर उसने लगाए होते हैं। ये फोटो रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हम क्रीम को देखते हैं वैसे वो नहीं है। इसमें बहुत सारे लेयर्स है। वो एक ह्यूमन बींग है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसी तरह से वो भी है। उसके हस्बैंड ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो। इतनी सिंपल सब कुछ चीजें नहीं होती। आदमी के अलग अलग इमोशन होते हैं और आपको सब चीजों को जान लेना चाहिए। उसके हस्बैंड का सिर्फ उसके लिए सब चीजें करना ये सब विजन नहीं है। नेक्स्ट में हमें केक खाना पकाते हुए दिखता है। बहुत सारा खाना वो क्रीम के लिए बनाता है। ये सब खाना वो उसे दे देता है। यहाँ वो उसके लिए बहुत ही केयर कर रहा है ये हमें दिखता है। और फिर से जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीम एक प्लांट को रिप्रेजेंट करती है, उसी प्लांट को के फिर से वाटर कर रहा होता है। थोड़ी देर में घर के बाहर फोटोग्राफर की जो गर्लफ्रेंड होती है वो आ जाती है। कोई डोर ओपन नहीं करता तो वो चली भी जाती है। पर अब के और क्रीम यहाँ नहीं रह सकते। के जिस तरह से हर घर में फोटो लेता है उसी तरह से फोटो ले रहा होता है पर क्रीम भी इस फोटो में आ जाती है। उसके लाइफ का अब वो पार्ट बन चुकी है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है। हमें फिर से एक नए घर में वो दिखाए गए है। यह एक बॉक्सर का घर होता है। इस घर में वो जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब रात होती है तो वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इस घर में जो बॉक्सर रह रहा था वो हनीमून पर गया था। रात में घर वापस आ जाता है। वो जब इन दोनों को देखता है के को बहुत ही मारता है। रात में फिर के और क्रीम ये दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। क्रीम उसके लिए नूडल्स वगैरह लाती है, उसे वो अपने हाथों से खिलाती है। थोड़ी देर बाद फिर से के अपनी गोल प्रैक्टिस करने लग जाता है। इस बार वो जब गोल प्रैक्टिस कर रहा होता है उसका बॉल रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। वो बॉल बहुत ही दूर चला जाता है और इसकी वजह से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस कार में एक्सीडेंट हुआ होता है वहां एक लड़की होती है जो बहुत ही इंजर्ड हो चुकी होती है। के को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, वो रोने लग जाता है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि के को लगता है कि वो सब कंट्रोल कर पा रहा है पर लाइफ में कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती कंट्रोल कर पाना। रात में ये दोनों फिर से नए घर पर आ जाते हैं। जब सुबह होती है फिर से अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। इस बार नया घर वो ढूंढते हैं। जब वो बिल्डिंग में आते हैं और घर खोलते हैं तो इससे स्मेल आ रही होती है। जब ये चेक करते हैं तो वहां एक आदमी मरा पड़ा हुआ होता है। के यहाँ से निकल जाने वाला होता है पर क्रीम यही रुकती है। ये आदमी अपने मुंह से खून आकर मर गया होता है तो ये सब खून वगैरह ये सब साफ करते हैं। के कॉल कर देखता है। इस आदमी के सन को कॉल लगता है पर ये कुछ भी नहीं बोलता। जब ये दोनों इस घर में खाना खा रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद इस आदमी का सन और उसके डॉटर इन लॉ आ जाते हैं। वो चेक करता है कि उसके फादर कहाँ है तो उसके फादर उसे कहीं भी नहीं मिलते। वो इन दोनों को फिर घर में ही रुकने के लिए बोलता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फिर हमें के और क्रीम को इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखती है। के का कैमरा उनके पास होता है। वो फिगर आउट करता है कि बहुत सारे घरों में रहा है, क्रीम मिसिंग है, ऐसा उसके हस्बैंड ने रिपोर्ट किया होता है। ये पुलिस फिर उसके हस्बैंड को कॉल कर देते हैं। ये पुलिस ऑफिसर जब के को धमकाता है तब के उस ओल्ड मैन की लोकेशन दे देता है। एक्चुअल में के ने इस ओल्ड मैन को एक प्रॉपर बरियल दिया होता है। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे उसे गाड़ देता है। तो ये चेक करने के लिए जो आदमी जाता है वो ऑफिसर के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ा गया था। उस ओल्ड मैन का इसने इतना ख्याल किया था कि उसका एक्चुअल में सन हो। क्रीम का पति उसे अपने घर लेकर आता है। उसे कहता है मैं बहुत ही सॉरी हूँ,
तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था। मैं अब बदल चुका हूँ। तुम जब गई थी तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने बहुत सारे पैसे भेजे हैं। वो से आश्वर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। क्रीम अभी भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। क्रीम का पति अब चिढ़ जाता है और डिटेक्टिव को कॉल करता है। इस डिटेक्टिव को वो पैसे दे देता है और केक को एक सुनसान जगह वो लेकर आते हैं। के ने क्रीम के पति को गोल्फ बॉल से मारा था, अब ये ही उसका पति केक के साथ कर रहा है। थोड़ी देर बाद केक को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं तो के उस पुलिस ऑफिसर पर ही चिपक जाता है। अब हमें के डायरेक्टली प्रिजन में दिखाया गया है। उसके जो इनमेट्स होते हैं उनके सामने वो इमेजिनरी गोल्फ खेल रहा है ऐसा प्रिटेंड करता है। इसमें से एक इनमेट उसका इमेजिनरी गोल्फ बॉल है ये छीन लेता है। इसी वजह से इन दोनों में फाइट हो जाती है और सोलिटरी में केक को रख दिया जाता है। जब केक को चेक करने के लिए वहाँ गार्ड आता है तब केक छुप जाता है। उसे वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। गार्ड को अंदर आना पड़ता है, उस पर चिढ़ गया होता है तो उसे बहुत मारता है। बाद में क्रीम का हस्बैंड उसके पास आ जाता है। वो कहता है मैं सोच रहा था। उसे पूछता है कि मैंने क्या गलत किया है। क्रीम कुछ भी बोल नहीं रही होती है। वो केक के साथ रह रही थी इस पर भी वो नाराज होता है। उसे फिर वो स्लैप कर देता है। क्रीम भी इस बार रुकती नहीं और वो उसको भी मारती है। क्रीम की केयर करने वाला कोई नहीं था। के ने उसकी केयर की थी और अब उससे फिर से अच्छा लगने लगा है। वो अब उस पर अत्याचार नहीं होने दे रही, वो उसे मारती है। के फिर से उसने जो गार्ड को जला दिया था वही देता है। गार्ड अंदर आता है और उसे बहुत मारता है। नेक्स्ट दिन क्रीम घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते हैं वो पहनती है। बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई थी उस घर में वो पहुंच जाती है। वह इस घर में जो रहता है वो एक आदमी वहाँ है। वो अंदर आती है, उसे कुछ भी नहीं बोलती। वो कहता है कि क्या तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, पर वो डायरेक्टली उसके घर में चली जाती है, उसके बेड पर सो जाती है। इस आदमी की थोड़ी देर बाद वाइफ आती है तो उसे पूछती है कि ये कौन है। ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। उसे जाकर उठाने वाली होती है पर ये आदमी कहता है कि थोड़ी देर इसे सोने दो। क्रीम जब अपनी नींद से जागती है तो वो डायरेक्टली चलने लग जाती है, फिर से अपने घर आ जाती है। क्रीम जो के साथ महसूस कर रही थी उसे फिर से एक बार महसूस करना था। क्रीम का पति घर पर होता है, उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मना किया था। क्रीम उसे कुछ भी नहीं बोलती। के फिर से अपनी सेल में छुप जाता है। इस बार गार्ड जब उसे देखने के लिए आता है तो गार्ड के पीछे वो छिप जाता है। गार्ड फिर उसकी शैडो देख लेता है और उसे बहुत ही मारता है। गार्ड उसे कहता है तुम्हारी शैडो को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। इस सेल में के हमें मेडिटेट करता हुआ दिखता है। वो एक फिस्ट बनाता है और अब इस फिस्ट को ओपन करता है और फिस्ट ओपन करने के बाद हमें इसमें एक आग दिखती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि के जिस तरह से रह रहा था इसमें वो कन्फाइंड था, पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है, उसे सब कुछ नॉलेज आ चुका है। क्रीम खिड़की से बाहर देख रही होती है, उसका पति उसके पास आता है। उसे कहता है कि तुम उसके लिए वेट कर रही हो, कब प्रिजन से बाहर निकलेगा उसकी तुम राह देख रही हो। अब क्रीम का पति उसे कहता है कि हम मूव आउट कर लेंगे। वो घर सेल करने वाले एजेंट को कॉल करता है और क्रीम उससे उसका मोबाइल छीन लेती है। के को चेक करने के लिए इस बार जब गार्ड आता है तो उसे कहीं भी देख नहीं पाता। के अब इस जेल से एस्केप कर चुका है। जो पुलिस ऑफिसर के को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसके पास वो आता है और उसे बहुत मारता है। के कहा है इसे वो फिगर आउट नहीं कर पाता और मार खाता है। के हमें भी इस सीन में कहीं भी नहीं दिखता, इसका मतलब है के अब इनविजिबल हो चुका है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। हमें बॉक्सर का घर फिर दिखाया गया है। बॉक्सर और उसकी जो वाइफ होती है इन दोनों में झगड़ा चल रहा होता है। बॉक्सर की वाइफ को लग रहा होता है कि बॉक्सर का अफेयर हो रहा है या फिर उसे कोई घर पर है ऐसा महसूस होता है। वो पूरे घर में छानते हैं और वहां कोई भी नहीं होता। इस बॉक्सर ने अपना पोस्टर घर में लगाया होता है। जब वो इस पोस्टर को देखता है तो उसकी आंख वहां से मिसिंग होती है। इसका मतलब है कि किसी लोगों को भी अपने आप को देखने नहीं दे रहा। अगर लोग उसे देखेंगे नहीं तो उसे हर्ट भी नहीं कर पाएंगे। जिस घर में क्रीम आकर सोकर चली गई थी उसी घर में के भी आया था। यहाँ जो औरत रही थी उसे लगता है कि यहाँ कोई है, पर वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्रीम जिस कुशन पर सोई थी उसी कुशन पर सोकर वो चला जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि वो फोटोग्राफर के अपार्टमेंट में आ जाता है। फोटोग्राफर भी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस फोटोग्राफर को अब लगता है कि उसके फ्लैट में कोई डेफिनेटली है। वो अलग अलग जगह पर अपनी बैट मारता है पर वहां कोई भी नहीं होता। वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, वो उसे घर में आने के लिए बोलता है। वो जब घर पर आती है तभी दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें लगता है कि इस घर में के है। हम देखते हैं कि क्रीम की जो फोटो थी वो सही से लग चुकी थी, पर अब फिर से के उसे अलग अलग जगह पर लगा देता है। क्रीम जैसा उसकी फोटो को चाहती है उसी तरह से उसे एडजस्ट कर देता है। फोटोग्राफर और उसकी गर्लफ्रेंड जब देखती है तो वहां से फोटो मिसिंग होती है। ये दोनों फिर बहुत ही डर जाते हैं।
क्रीम के पति को कॉल आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि के अब जेल से फरार हो चुका है। जब रात होती है तो क्रीम के पति को भी लगता है कि उसके घर में कोई है। वो भी अपनी गोल्ड बैट लेता है और हवा में मारने लग जाता है। उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। वो जब बेड में सोने के लिए आता है तो क्रीम से कहता है कि वो अब यहाँ आ सकता है। जब मिडनाइट होती है तब क्रीम उठती है और घर में केक को ढूंढने लग जाती है। वो जब एक मिरर के पास आती है तो उसे वहाँ केक दिखता है। उसका हस्बैंड भी उसके पास आ जाता है पर उसे केक कहीं भी नहीं दिखता। क्रीम को पता है कि केक को अब कोई भी देख नहीं पा रहा तो अपने पति को वो फिर से आई लव यू कह देती है। उसका पति खुश हो जाता है और उसे हक करता है। उसके पति ने जब उसे हक किया होता है तो पीछे से के और क्रीम दोनों किस कर रहे हैं ऐसा हमें दिखता है। इस फ्रेम का मतलब है कि इसी घर में अब ये तीनों रहने वाले हैं। के को कोई देख नहीं पा रहा तो यह आसानी से वो रह सकते हैं। अगले दिन क्रीम बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाती है। उसका पति बहुत ही खुश हो जाता है। वो ज्यादा ही मुस्कुरा रही होती है। उसका पति उसे कम मुस्कुराने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। उसका हस्बैंड भी खुश होकर काम के लिए निकल जाता है। के और क्रीम एक दोनों को किस करते हैं और इसके बाद एक ही वेट स्केल पर हमें दिखाए गए हैं। जैसा हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि उसके घर में जो वेटिंग मशीन थी उसको वो रिपेयर कर रहा था। क्रीम के जो लाइफ का बैलेंस है वो रिपेयर करना चाहता था पर इस बार वो ही कर चुका है। हम फिर इसका इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम लाइफ में जो भी सब चीजें ड्रीम करती है वो कभी कभी रियलिटी में भी आ जाती है। आइंस्टाइन ने भी अपने कोट में कहा था कि आप जिस तरह से इस वर्ल्ड को देखते हो उसी तरह से वर्ल्ड बन जाता है। इसका मतलब है क्रीम ये सब इमेजिन कर रही है। उसे लग रहा है कि प्रिजन से वो एस्केप हो चुकी। उसके मन में वो फिक्स कर लेती है कि के हमेशा उसके साथ ही रह रहा है और अपनी लाइफ का बैलेंस वो करना चाहती है। इसलिए वो फिर से अपने पति के साथ अमेंड जो होती है वो सही कर लेती है। इसी तरह से अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ ये मूवी हमें छोड़कर चली जाती है। बहुत ही अलग तरह की स्टोरी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमेंट सेशन में बताना। हम फिर से मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।